जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तानशान के सामने क्वांटेंजियो ने दो चॉइस रखी थी, या तो मुझे सर्व करो या फिर इसका भुगतान करो। तानशान ने सर्व करने से मना कर दिया था, तो क्वांटेंजियो तानशान पर हमला करने लगती है और तानशान फिर उसके सामने बैट रखता है कि अगर वो 30 मिनट तक क्वांटेंजियो से बच गया तो क्वांटेंजियो से 3 दिन की मोहलत देकर छोड़ देगी, और अगर 3 दिन बाद तानशान पकड़ा गया तो तानशान उसको सर्व करेगा। अब क्वांटेंजियो भी फिर अपनी स्पिरिट रिंग्स निकाल लेती है और उसके पास भी कई सारी अच्छी स्पिरिट रिंग्स थी, और गॉड लेवल पर जाने के बाद उसके सभी स्पिरिट रिंग्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और वो अब कहती है कि चलो देखते हैं कि किस बेसिस पर तुम मेरे सामने 30 मिनट तक टिकते हो। जिस पर तानशान कहता है कि मुझे तुमसे लड़ाई थोड़ी ना करनी है, मुझे तो बस 30 मिनट तक तुमसे बचना है, यानी सिर्फ डिफेंस करना है। तानशान अब अपनी ब्लू सिल्वर डोमेन को चारों तरफ फैला देता है। ये पूरी जगह जंगल है, जिस वजह से तानशान को काफी सारे ब्लू सिल्वर प्लांट्स का ऑरा भी मिल रहा है। तानशान अब तुरंत अपने ऑरा को इकट्ठा करके क्वांटेंजियो को पंच मारने के लिए आगे आता है, लेकिन क्वांटेंजियो उसे रोक देती है। लेकिन उसके इतने स्ट्रॉन्ग ऑरा को देखकर वो हैरान है, क्योंकि एक मोमेंट के लिए इसके ऑरे ने क्वांटेंजियो के ऑरे को भी सरपास कर दिया था। वो फिर तानशान को दूर फेंक देती है, जिससे तानशान नीचे जाकर गिरता है। तानशान फिर से ब्लू सिल्वर ग्रास की पार को हार्नेस करता है और उसको पंच मारने के लिए आगे आता है, लेकिन इस बार भी क्वांटेंजियो उसे एक हाथ से रोक देती है और पटक देती है। तानशान फिर उस पर किक मारता है, और जब वो उससे भी बच जाती है तो वो व्हील टाइगर स्लैश ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज करता है। तानशान को इस सब को यूज करता हुआ देख वो कहती है कि आखिर ये कैसे समझ सकता है कि एक गॉड को हरा देगा। लेकिन तानशान तो किसी चीज का मौका ढूंढ रहा था, और वो मौका उसे मिल जाता है। इसी टाइम क्वांटेंजियो जो बोर हो गई है, वो इसे हराने के लिए अब अपनी स्पिरिट रिंग्स को यूज करने का डिसाइड करती है। लेकिन वो फिर तभी सोचती है कि मैं एक गॉड हूँ और मैं पहले कैसे स्पिरिट रिंग्स का यूज कर सकती हूँ, ये अनफेयर होगा। तानशान असल में ब्लू सिल्वर फील्ड की ऑरा को हार्नेस करने के लिए टाइम ले रहा था, और अब फिर से क्वांटेंजियो पर हमला कर देता है, लेकिन फिर से उसे मुंह की खानी पड़ती है, और इस बार तो वो गिरते गिरते नीचे झरने में भी गिर जाता है। लेकिन वो खुद को संभालता है और पूरी पार को एक्यूमुलेट करके इस बार जोर से क्वांटेंजियो पर हमला करने को आगे बढ़ता है। उसकी आंखें भी नीली हो चुकी है, और वो अब जो पंच मारता है उससे क्वांटेंजियो को दर्द होता है, और फिर तुरंत वो अपने 8 फीट स्पिरिट पोन को और साथ ही साथ सकर थ्रेड्स को निकालता है। वो गोल्डन सकर थ्रेड से खुद की पार को सक करने लगता है, और इस पार का यूज वो खुद को हील करने में लगा देता है। ये देखकर क्वांटेंजियो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ये एक तरह से ऐसा है मानो किसी को बहुत ज्यादा प्यास लगी हो और वो मरने वाला हो, लेकिन उसे तभी एक पॉइजन की बोतल मिल जाए और वो उससे प्यास बुझाने के लिए पीने लगे। तानशान कहता है कि जब तक मुझे स्ट्रेंथ मिल रही है तुमसे लड़ने की, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तानशान अब 8 स्पिरिट लेग्स के साथ क्वांटेंजियो पर हमला कर देता है, और इन दोनों के बीच 1-to-1 बैटल होने लगती है, जिसमें ऑब्वियसली तानशान हमें हारता हुआ नजर आ रहा है। तानशान और ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को हार्नेस करता है और क्वांटेंजियो पर हमला करता है, लेकिन फिर भी वो उस पर भारी नहीं पड़ पा रही है। ये देखकर क्वांटेंजियो कहती है कि क्या तुम खुद को मार देना चाहते हो। तानशान के मुंह से खून भी निकलने लगता है और वो बहुत ज्यादा घायल हो गया है। क्वांटेंजियो कहती है कि तुम्हें ये बात तो पता ही होनी चाहिए कि बिना वेपन्स के भी सिर्फ वास्ट और डिवाइन पावर की मदद से मैं नोबल एंजल स्पॉट को क्रिएट कर सकती हूँ और तुम्हें मार सकती हूँ। वो अब अपने एंजल फॉर्म में आती है और बड़ी सी स्पॉट भी क्रिएट कर लेती है। अब तानशान भी अपने सी गॉड के स्पिरिट अवतार में आता है, और साथ ही साथ वो अपनी 3 स्पिरिट रिंग्स का भी एक साथ यूज करता है, और फिर अपनी 13 गोल्डन वेपन स्किल का 3rd वेपन जिसका नाम नो पॉइंट ऑफ रिटर्न है वो यूज कर देता है। क्वांटेंजियो की स्वॉर्ड और तानशान का ट्राइडेंट एक दूसरे से टकराता है, और वहाँ बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे तानशान दूर जाकर गिरता है, और उसे अब समझ आ गया है कि आखिर एक गॉड की पार क्या है। तानशान नीचे अब खाई में गिरने लगता है, और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।